सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बता दें पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, रामदेव बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, आपकी माफी हमें मंजूर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चेतावनी के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। तो भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वामी रामदेव और बालकृष्ण दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आपको बता दें पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आपकी माफी हमें मंजूर नहीं है। चेतावनी के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है। रामदेव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, अवमानना का केस चलाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कहा है कि ये धोखाधड़ी का केस है, कानून सबसे ऊपर है, आपकी माफी हमें मंजूर नहीं है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से। पीयूष, बहुत सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का नजर आ रहा है इस मामले में। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है, क्योंकि लगातार पतंजलि की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिए गए थे उनका अनुपालन पतंजलि की ओर से नहीं किया गया, और बालकृष्ण चूंकि उसके MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस मामले में जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें भी गलतियां सुप्रीम कोर्ट ने पाई हैं और सीधे तौर पर कहा है कि अवमानना से इतर परजरी का मामला भी इसमें बनता है, यानी कि अदालत में जो झूठा हलफनामा दिया गया, गलत हलफनामा दिया गया, उसका मामला भी बनता है। साथ ही पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि पतंजलि और बालकृष्ण इस मामले में अनुपालन नहीं कर रहे हैं आदेशों का, तब बाबा रामदेव को भी इस मामले में नोटिस जारी करके व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया, और आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों ही अदालत में पेश हैं और उनकी ओर से भी सीधे तौर पर बिना शर्त माफी मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उन्हें माफी स्वीकार नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इस बात का हल निकाला जा सकता है, इस पर हम बैठ करके विचार विमर्श करके एक स्पष्ट हलफनामा, विस्तृत हलफनामा दे सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आदेश लिखवा रहा है और थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह स्पष्ट कर देगा कि उसकी ओर से जो रुख, कड़ा रुख अपनाया गया है उस पर आगे उसका क्या निर्णय होगा। जी, खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं स्वामी रामदेव, इस दौरान क्या कुछ कोर्ट में बातें कही गई हैं, जरा इस पर भी थोड़ी जानकारी साझा करें। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पतंजलि की ओर से आश्वासन दिया गया था कि भ्रामक जो विज्ञापन, यानी कि आयुर्वेद से संबंधित जो दवाएं पतंजलि की ओर से दी जा रही थी, कोविड के दौरान भी ऐसे ही विज्ञापन आए थे कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और कोई भी इलाज अगर काम नहीं आएगा तो ये दवाएं जो है आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगी, तो ऐसे कुछ विज्ञापन थे जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल एसोसिएशन पहुंची थी और इसके साथ ही एलोपैथी जो थी उसकी लगातार आलोचना की गई थी पतंजलि की ओर से। उसके बाद जब यहाँ याचिका पहुंची तब सुप्रीम कोर्ट ने उन विज्ञापनों को देखने के बाद पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी किया और उसके बाद उनकी ओर से, यानी कि पतंजलि और बालकृष्ण की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में ऐसी गतिविधि नहीं होगी। लेकिन इसके बाद ही अगले 24 घंटे के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा किया गया कि ये जो दवाएं हैं उनसे व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है और जो जिन बीमारियों का इलाज एलोपैथी में नहीं है उन बीमारियों का इलाज भी हो सकता है और व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगा जो भी मरीज होगा। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो भ्रामक दावा किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिर से एक बार अवमानना का नोटिस जारी किया पतंजलि को और उसके बिल्कुल, साथ बिल्कुल ही सही बात है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत कड़ा रुख सामने आया है, आपकी माफी अब हमें मंजूर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए तैयार रहिए। कुल मिलाकर बालकृष्ण और स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। गलत हलफनामे का जिक्र हो रहा है पीयूष पांडे, उसके बारे में क्या डिटेल है, क्या गलत जानकारी हलफनामे में दी गई जिसको लेकर अब कड़े एक्शन का सामना करना पड़ सकता है स्वामी रामदेव और बालकृष्ण को? बिल्कुल, देखिए आचार्य बालकृष्ण
और स्वामी रामदेव की ओर से दो अलग अलग हलफनामे दाखिल किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस जारी किया गया था उसके बाद, उसमें दरअसल जो तारीखों का हेरफेर हुआ है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस मामले में परजरी का अलग से केस चलाने की बात कर रहा है। और जस्टिस अमानतुल्ला खान ने खुद कहा है कि इस मामले में आपके ऊपर परजरी बनती है और ये हलफनामा पूरी तरह से गलत है, इसमें गलत बयानी की गई है। और परजरी का मायने ये है कि अदालत में जो भी शपथ पत्र या हलफनामा या फिर कोई दस्तावेज दाखिल किया जाता है उसमें पूरी तरह से सही बात रखी जाती है सामने किसी भी पक्ष द्वारा, अगर वो गलत होती है तो वो फिर परजरी का मामला बनता है। और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अमानतुल्लाह खान ने सीधे तौर पर ये कहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, क्या आदेश आता है इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात होगी।